नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी आपको एक खबर मिल रही है कि जो एनसीटीई है वो यूपी टेट और सीटेट में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है एक तरह से बोला जा सकता है, क्योंकि जो कुछ केसेस चल रहे थे यूपी टेट को लेकर, सीटेट को बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है। अभी आपने हाल में ही बीएड वाला, बीएड को बाहर करने वाला भी जो है केस चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सभी कई केसेस में एक केसेस का फैसला आ चुका है, जिसमें एनसीटी ने भी बोल दिया है कि भैया अब जो लोग बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे मैं जाने से पहले एक बता दूं आपको कि जो एनसीटी का लेटर आया है वो देख लीजिए एक बार। 4 तारीख को ये लेटर आया है एनसीटी का, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसके द्वारा जो बताया गया है ये कि 2 पेज का ये लेटर है, पहले पेज में आपको पूरा वो बताया गया है। बोला है कि जो भी लोग, ठीक है, इस गाइडलाइन के थ्रू यहां पर आपसे बोला गया है, यहां बोला गया है कि गाइडलाइंस अ पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड, इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, हु हैज बीन एडमिटेड इन ए टीटीसी। टीटीसी का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कोई भी एडमिटेड है या परसुइंग कर रहा है, ही सी आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन टेट एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस फॉर टेट सर्कुलेटेड ऑन 11/2/2021। और ये चीज जो है आपकी जो आई है ये चार, देखो यहाँ साइन जो है 3/8/2022 का है, और अगले वाले हम पिछले वाले पेज में हम दिखा दें आपको, तो ये 4/8/2022 को एनसीटी पर जब जाओगे तो वहां पे नोटिस में ये पड़ा हुआ है। तो इसका ओवरऑल जो नोटिस निकला है टेट और सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी के लिए, जो बड़ा बदलाव किया गया है, ये बदलाव है कि जो भी बीएड कर रहे हैं बच्चे, जो भी बीटीसी कर चुके हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि अब बीटीसी डीएलएड हो गया है, ये वाले बच्चे जो अगर एडमिशन ले लिए, इन द सेंस अगर आपने काउंसलिंग कराकर एडमिशन ले लिया और उसी समय अगर यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है, यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है या सी टेट का फॉर्म आ जाता है, जैसे अभी सी टेट आया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। पहले क्या होता था कि जो बच्चे आपका बीएड फाइनल ईयर में हो, ठीक है, चाहे आपका डीएलएड फाइनल ईयर में हो, बीटीसी फाइनल ईयर में हो, उन्हीं का जो अगर वो यूपी टेट सी टेट देते थे, तो कोई भी अगर भर्ती आती थी, मान लीजिए सुपर टेट कोई आ रही है, तो उन्हीं को कंसीडर किया जाता था, वही एलिजिबल माने जाते थे फाइनल ईयर वाले। अब वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या, अगर बच्चे ने तुरंत एडमिशन किसी भी टीचिंग कोर्स में ले लिया है तो वो यूपी टेट और सी टेट में बैठ सकता है और उसका स्कोर जब भी वैकेंसी आएगी उसमें वैलिड होगा। मेरे पॉइंट को समझिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे ही और भी कई चीजें हैं जो टीचिंग से रिलेटेड, तो अभी सी टेट से रिलेटेड जो है हमारे यहाँ कोर्स चलाया जा रहा है आपका सी टेट प्राइमरी और जूनियर से। तो आप सी टेट के अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो आपका कहा गया है दिसंबर जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा, तो आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप कोर्सेस में जाएंगे तो आप सीटेट के प्राइमरी या जूनियर जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी इस साल भी एडमिशन लेना चाहते हो, अगर सीटेट की डेट है और एडमिशन आपने ले लिया, तो आप सीटेट अप्लाई कर सकते हो और आपका स्कोर भी अगर आप पास हो जाते हो तो आने वाले किसी भी वैकेंसी में आप वैलिड माने जाओगे। हाँ, लेकिन आने वाली जो वैकेंसी होती उसका जो शैक्षिक अहर्ता होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आप सीटेट और यूपी टेट में आप एलिजिबल हो ये कह दिया गया है। पहले सिर्फ सेकेंड ईयर वाले या लास्ट सेमेस्टर वाले बोल सकते हो या थर्ड सेमेस्टर वाले एलिजिबल होते थे, लेकिन अब आज से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक के सभी बच्चे यूपी टेट और सीटेट दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना कमेंट जाकर पिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं सर मुझे इस चीज की समस्या है, उसका जो है समस्या जो भी होगा उसका सॉल्यूशन आपको पूर्णतः दिया जाएगा। अगर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड और भी हमें जानकारी मिलती है तो मैं जरूर लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।